प्रदेश भर में भाजपा के चल रहे सदस्यता अभियान के तहत 2 दिन में 80,000 नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। यही नहीं, नए वोटर्स भी पार्टी की सदस्यता लेने के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। सदस्यता अभियान को मिल रही सफलता को भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की देन बता रहे हैं। प्रदेश भर में भाजपा के चल रहे सदस्यता अभियान के तहत 2 दिन में 80,000 नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। यही नहीं, नए वोटर्स भी पार्टी की सदस्यता लेने के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। सदस्यता अभियान को मिल रही सफलता को भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की देन बता रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि अभियान को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भाजपा ने प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करते हुए सदस्यता में 20% वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से भी सभी पदाधिकारियों को अभियान को गंभीरता से चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर हिमाचल में पार्टी पदाधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ अभियान को सफल बना रहे हैं। सदस्यता अभियान चलाने के निर्णय उपरांत शिमला में आयोजित बैठक में प्रदेश पार्टी पदाधिकारियों ने अभियान के तहत पार्टी की सदस्यता में 20% की वृद्धि के बजाय इसे 3 गुना बढ़ाने का संकल्प लिया था। वहीं पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए नियुक्त प्रदेश सह प्रमुख एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही परिणाम है कि सदस्यता अभियान में 2 दिनों में ही प्रदेश भर में 80,000 लोग पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रभावित होकर नए वोटर्स पार्टी की सदस्यता लेने को लेकर ललायत नजर आ रहे हैं। पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आगामी दिनों में ये अभियान और रफ्तार पकड़ेगा। एक सवाल आपकी सदस्यता अभियान को लेकर है, जो भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 80,000 नए सदस्य भारतीय जनता पार्टी के 2 दिन में बन चुके हैं। इससे बढ़िया रिस्पांस और क्या हो सकता है? मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, मोदी जी की जो योजना है गांव गरीब जनता के लिए, जो योजना है उन्होंने पीछे बनाई और उसका आपने इनाम भी दिया, इतने बड़े मार्जिन से जिताकर फिर भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता पर बिठाया, तो उससे प्रभावित होकर जो नया वोटर आया वो बहुत इंथ्यूजियास्टिक है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए।